The reality of experience, as it is perceived by one individual who expresses it in a discourse, which enables another individual to recognize it as true. मतलब ये है कि ये एक ऐसी थ्योरी है जो reality of experience को express करती है, reflect करती है। और वो experience कौन से experience है, जो कि एक writer ने, एक individual ने perceive किया है या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि एक राइटर के पास है जो कि उसी एक्सपीरियंस को अपने डिस्कोर्स में यानि अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करता है यानी एक राइटर एक ऑथर अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करता है ताकि जो बाकी इंडिविजुअल्स हैं वो इस रियलिटी को या इस एक्सपीरियंस को रिकगनाइज़ कर सकें एज़ में अपियर हुआ इन द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म और कहा जाता है दी ऑफ एक्सप्रेसिव रोमांटिसिज्म, तो एरिस्टॉटल इसके बारे में क्या कहते हैं एरिस्टोटल इज ऑफ दू दैट आर्ट इज असिस दैट इज इमिटेशन ऑफ रियलिटी एन आर्टिस्ट एक्सपीरियंसिस एंड ऑब्जर्व्स रियल पीपल एंड इवेंट्स हैपनिंग अराउंड हिम एंड देन रिप्रजेंट्स दैम इन अ वर्क ऑफ आर्ट इन अ स्लाइटली आइडियलाइज्ड मैनर की जो एक्सप्रेसिवली रियलिज्म की जो थेरी है ये भी एरिस्टोटल के जो व्यू है आर्ट ऑफ में मैसेज उस पर बेस्ड है वो भी यही कहते हैं कि जो एक आर्टिस्ट है वो क्या करता है वो ऑब्ज़र्व करता है पीपल को इवेंट्स को जो उसके आसपास हो रहे होते हैं और उसके बाद वो अपने वर्क में उसको स्लाइटली आइडियलाइज्ड मैनर में रिप्रेजेंट करता है यानी कुछ थोड़ी बहुत उसके अंदर चेंजेस आते हैं वेरी स्लाइट चेंजेस ये नहीं कि बिल्कुल ही चेंज हो जाता है मगर वो कोशिश करता है कि वो क्या करे कि जो रियलिटी है उसको अपने वर्क में एज इट इज़ जो है वो शो करवा सके दैट्स इट दूसरी तरफ रोमांटिक्स का ये व्यू है दैट पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एक्सप्रेस्ड बाय पर्सन हु पोजेस मोर देन यूजुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटीज कि ये एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती हैं स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का मतलब है कि जो हमारी फीलिंग्स हैं हमारी नेचुरल फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स समथिंग वो एक हाईली इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिक सेंसिबिलिटी वाला पर्सन एक्सप्रेस कर सकता है यानी कि अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम हाईली इंटेलेक्चुअल हों और चीज़ों को एक अच्छे वे में एक्सप्रेस करें कहा तो जा सकता है कि रोमांटिक्स का जो व्यू है और एरिस्टोटल की जो थेरी ऑफ मे है वो एक्सप्रेसिव रियलिज्म से कैसे क्लोजली कनेक्टेड है फ्रेंड्स डिस्कवर करते हैं कि एक्सप्रेसिव रियलिज्म की जो टर्म है वो किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी सो रस्किन वॉज द फर्स्ट क्रिटिक हु इंट्रोड्यूस दिस एक्सप्रेसिव रियलिज्म इन पेंटिंग उन्होंने ये टर्म अपनी पेंटिंग में इंट्रोड्यूस करवाई थी इन हिज बुक मॉडर्न पेंटर्स रस्किन सेज दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन पेंटिंग एंड पोइट्री पेंटिंग और पोइट्री कैसे सिमिलर है पेंटिंग में भी जो आर्टिस्ट है वो रियलिटी को एक्सप्रेस करता है और राइटिंग में भी यानी कि पोइट्री में भी जो पोइट है जो राइटर है वो भी रियलिटी को एक्सप्रेस करता है द डिफ्रेंस इज़ ओनली ऑफ मटीरियल थिंग्स यानी दोनों में बात तो सेम है लेकिन क्या है कि मटीरियल्स डिफरेंट हैं बाकी वो भी रियलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है और ये भी सो अकॉर्डिंग टू रस्किन देअर मस्ट बी टू ऑब्जेक्ट्स और एम्स इन हिज माइंड वाइल पेंटिंग जो पेंटर है उसके माइंड में दो व्यूज होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल टू प्रजेंट रियालिटी एज इट इज़ यानि कि जो रियलिटी है उससे एज इट इज डिपिक्ट करें एंड सेकेंडली टू इन्फॉर्म द स्पेक्टेटर अबाउट द फीलिंग्स एंड इमोशन विच द हार्डेस्ट हार्ड वाइल पेंटिंग अ पिक्चर कि जो सेकंड बात है जो सेकंड एम ऑफ आर्टिस्ट है उसका ये होना चाहिए कि वो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस बताए स्पेक्टेटर को यानी व्यूअर को कि जब वो ये पेंटिंग कर रहा था या फिर अगर पोइट है तो वो पोइट्री कर रहा था तो उस टाइम उसके क्या इमोशंस थे सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ड्रॉबैक है कि रीडर एंड ऑथर अप्रिशिएट द इमिटेशन ऑफ रियलिटी इन द सेम मैनर रस्किन कहते हैं कि जो अप्रिसिएशन है रीडर की और ऑथर की टू समथिंग वो सिमिलर है दोनों का लेवल सेम है जबकि कैथरीन बेल से कहती हैं कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ऑल द रीडर्स टू अप्रिशिएट द लिमिटेशन ऑफ रियालिटी ऑन द सेम लेवल एज द ऑथर हैज रिप्रजेंटेड एंड अप्रिशिएटेड यानी ऑथर और रीडर कभी भी सिमिलर लेवल पर नहीं हो सकते वो मैंशन करती हैं द ट्रूथ इट सेल्फ कैन नॉट बी परसिवड एंड इमिटेटेड बाई ऑल द ऑथर्स इन लाइक मैनर्स यानी कि जो ट्रुथ है वो ऑथर्स भी अगर दो ऑथर्स हैं तो दोनों का जो परसेप्शन है वो डिफरेंट होगा तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि एक रीडर और ऑथर का परसेप्शन सिमिलर है जबकि दो ऑथर्स में भी डिफरेंस हैं दे मे परसीव ट्रुथ अकॉर्डिंग टू देयर ओन लेवल ऑफ परसैप्शन एंड मेंटल एंड इमोशनल कैपेसिटीज़ सो so फ्रेंड्स पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रीडर्स कॉमन सेंस इज द सोर्स ऑफ मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट लेकिन आज हमने ये कंक्लूड किया है कि ऑथर्स परसेप्शन इज द सोर्स ऑफ मीनिंग नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम न्यू क्रिटिसिज्म को डिस्कस करेंगे जिसका एम है सोर्स ऑफ मीनिंग सो स्टे ट्यून्ड अल्लाह हाफिज